तो ये है माइनक्राफ्ट के सभी टाइप के नेदरराइट के आर्मर, जिनको हम माइनक्राफ्ट में 1.20 के अपडेट के बाद बना सकते हैं, वो भी अलग अलग मेकअप के साथ। हाँ भाई, इनको हम स्मिथिंग टेम्पलेट की मदद से अलग अलग लुक दे सकते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन तो इतने बन सकते हैं कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन खत्म नहीं होंगे। माइनक्राफ्ट वालों ने इस बार कुछ ज्यादा झोलमोल कर दिया। बाकी माइनक्राफ्ट 1.20 के अपडेट में यहाँ पर आई थी 16 स्मिथिंग टेम्पलेट, जिनकी मदद से हम अपने आर्मर को नया लुक दे सकते थे, जिनमें सबसे ज्यादा रेयर स्मिथिंग टेम्पलेट थी साइलेंस वाले, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में फाइंड करके उसका बना लिया था अपना एक जबरदस्त वाला आर्मर सेट। लेकिन अभी भी पूरी 15 के 15 बाकी हैं, उनका आज बनाएंगे। तो आज मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए 15 नेदरराइट के आर्मर सेट, वो भी फुल मेकअप के साथ, मतलब मस्त मस्त लुक देंगे उन सबको। बाकी यहाँ पर मैं 15 नेदरराइट के आर्मर तो बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यार वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, हमें जल्दी जल्दी यार 1 मिलियन भी करने हैं। तो माइनक्राफ्ट का जो सबसे ज्यादा रेयरस्ट आर्मर है वो तो मैंने पिछले एपिसोड में बना लिया था, जिसके लिए मुझे एक साइलेंस वाली स्मिथिंग टेम्पलेट चाहिए थी, जो कि अपने को सिर्फ एंशिएंट सिटी में मिलती है। तो वहां से आके मैंने उसको ढूंढा, उसके बाद मैंने अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बनाया, और फाइनली देखो भाई कुछ इस टाइप का लुक आया था अपना। हाँ, डैमेज लेने का लुक नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे ना और भी काफी सारी स्मिथिंग टेम्पलेट आ रखी है, पूरी लगभग 15-16 कुछ इस टाइप के लगभग हैं, 15-16 तरह के, मतलब जो नॉर्मल अपने को जो स्मिथिंग टेम्पलेट मिलने वाली है वो है, जिसमें से मैंने साइलेंस वाली ढूंढ ली थी, जिसे मैंने ये वाला आर्मर बनाया। बाकी मुझे यहाँ पे 2 और मिली थी, एक अपने को वो डेजर्ट वाली मिली गई थी, कौन सी मिली थी, एक डेजर्ट वाली है स्मिथिंग डून करके, और एक वार्ड भी मिली थी ना अपने को, ये थी। तो अपने को ना यहाँ पे 3 मिल चुके हैं। देखो, इसका तो मैंने आर्मर बना लिया, इन दोनों का भी मैं बना लूंगा, लेकिन बाकी जो अपने को 15-16 है मेरे हिसाब से, जिसमें से अपने को 3 मिल गई, तो 13 और ढूंढनी है, जो कि अपने को अलग अलग लोकेशन पे मिलेंगी। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्मिथिंग टेम्पलेट नॉर्मल वाली, जो कि अपने को मिलेगी बेशियन में। जैसे कि पहले क्या होता था अपने पास, जैसे मान लो ये अपने पास डायमंड का आर्मर और एक नेदरराइट इंगट लेते थे, और स्मिथिंग टेम्पलेट में ऐसे करके गुड़ूर करके अपना नेदरराइट का आर्मर बना लेते। लेकिन अब एक और चीज चाहिए होगी, जो कि है अपने को स्मिथिंग टेम्पलेट, उसके बिना अपना आर्मर नेदरराइट का नहीं बन पाएगा, और वो मिलेगी अपने को सिर्फ बेशियन में। तो सबसे पहला मेरा जो टारगेट है वही है कि मुझे जो नॉर्मल वाली जो स्मिथिंग टेम्पलेट है वो लेके आनी है, ताकि मैं बहुत सारे नेदरराइट के आर्मर बना सकूं। टोटल 16 है ना, तो मैं बनाने वाला हूँ 16 रेयरेस्ट नेदरराइट के आर्मर, पूरा भाई अपना सेट बन जाएगा आर्मर्स का, इतना खतरनाक। बाकी बीच में जो भी मिलेगा उसको हम निपटाए देंगे। मैं चल गया, वो बात अलग है, छोड़ो, अपने को एक बेशियन ढूंढना है पहले तो, और ना मुझे दूसरा मतलब ऐसे चैंक में जाना पड़ेगा जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। बाकी भुज्जा भाई आग, कब ये कब तक कहां तक, वो बेशियन बगल में ही, अच्छा लेकिन ये तो लूट रखा है, इसमें अपने को नहीं मिलेगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक बार, अरे नहीं 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 मैं जा रहा हूँ, ओके बाय, यहाँ पे मिलेगा है नहीं, तो भाई अपना टाइम वेस्ट क्यों करना, एक दूसरा एकदम नया वाला चंक ढूंढते हैं जहाँ पे अपने को एक बेशियन मिल जाए। A few moments later. देखो यहाँ पर मुझे एक बेशियन मिला, तो अब मुझे इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैंने इसको एक्सप्लोर कर रखा है कि नहीं कर रखा, वो तो मुझे एक दो चेस्ट खोल के पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ प्राणी आ रहे हैं, तो उनके साथ भी हाई हेलो करना पड़ेगा पहले मुझे। आ जाओ हाई हेलो कर लो, थोड़ी सी हाई हेलो, बस भाई इतनी हाई हेलो करनी थी भाई, यार बहुत गंदा डैमेज मारती है भाई इनकी कोल्ड की एक्स। सही है, अपनी इलाइट्रा भी रिपेयर हो जाएगी, बाकी भाई इलाइट्रा के चक्कर में इतना मर जाऊंगा वो गलत बात है। नहीं, ओ भाई क्या कर रहा हूँ यार मैं, मरने नहीं आया, तो नेदर वैसे ही नरक है यार, और ऊपर से मैं मरने वाले काम भी कर रहा हूँ। ओए, ये ट्रेड किस चीज से कर रहा है भाई, स्वार से भी ट्रेड कर लेते हैं क्या भाई, दू अपने साथी की स्वार उठा के। नहीं, मेरा टोटम यूज हो गया भाई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं टोटम वाला, हाँ लाया हूँ भाई लाया हूँ, मुझे लगा मैं सर्कर बॉक्स ही ले, भाई हो जाता अपने अपना कांड। भाई बैकअप प्लान मैं हमेशा हाथ में रखता हूँ भाई, मैं कभी भी मर सकता हूँ, तो बैकअप हमेशा अपने पास रखना चाहिए। फाइनली भाई पता नहीं कितने सारे थे, सबको मैं निपटा दिया। पिक स्ट्रैप इतनी रेयर है क्या, ले लो भाई रेयर हो जो भी हो। बाकी यहाँ पे एक और एंसेंट है, ये मैंने लूटा नहीं है जहाँ मेरे हिसाब से, तो और ना इसमें एक गारंटी है कि 100% चांस मिलेगा जो एक लूट कौन सा होता है भाई सबसे ज्यादा। अरे यार क्या शोर मचा रखा है, जो एक बोलते ना कि जो सबसे ज्यादा ट्रेजर चेस्ट मिलती है बीच में जो होती है वहां पर, तुम्हें 100% चांस है कि वो स्मिथिंग टेम्पलेट मिलेगा ही मिलेगा, पता नहीं वो सही में है कि मजाक कर रखा अपने साथ, वो तो देख के पता चल जाएगा भी। देखो यहाँ पर एक चेस्ट होती है ना, उसमें शायद मैंने जहां तक सुना कह रहे हैं 100% चांस है तुम्हें यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट मिलेगा, ये वाली चेस्ट उसके नीचे होती है ना, यहाँ पर एक चेस्ट जो होती है वो वाली, वो तो अब नीचे चल के पता चलेगा। बाकी मुझे यहाँ पे छलांग मारनी है, थोड़ी सी डैमेज खाएंगे पर कोई बात नहीं, एक और छलांग मारेंगे और सीधा उड़ चलेंगे, उड़ जाओ, उड़ भाई उड़ मर जाता भाई बचिया भाई, कहाँ जाके लैंड, सेफ लैंडिंग घटिया लैंडिंग की बात नहीं कर रहा था मैं, सेफ लैंडिंग की बात कर रहा था। बच गया भाई, मेरा जैसा नूब क्या कर रहा है भाई आज, सेफ खोलो भाई, ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ मैं आजकल।
नाइस वन। अरे भाई मैंने अभी ध्यान दिया कि मैं रॉकेट वाले सर्कल बॉक्स ही नहीं लाया, मैं ब्लू वाले में अपने रॉकेट्स रखता था ना, मैं उसको लेके ही नहीं आया भाई। मुझे ना थोड़ा सेफ ही खेलना पड़ेगा, मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ भाई आजकल। इस वाली चेस्ट में मिल जाना तो मुझे ऐसा लग रहा है मिल जाना चाहिए। ओ हाँ, स्मिथिंग टेम्पलेट इसमें अपने को मिल जाएगा, दो दो नेदरराइट के इंगट जो भी है, बाकी अपने को कुछ खास चाहिए नहीं भाई। जिसने भी सही कहा था भाई, जिसने भी कहा है ना एकदम सही कहा है कि भाई इसमें अपने को स्मिथिंग टेम्पलेट मिलेगा ही मिलेगा, वो भी 100% चांस है। बाकी अपने को यहाँ पे दो एंशियंट डेब्रिस और दो नेदरराइट के इंगट भी मिल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी अपने पास भाई रॉकेट खत्म हो रहे हैं, तो मुझे ना अब सीधा यहाँ से घर निकलना चाहिए, क्योंकि मैं अपने भाई सल्कर बॉक्स लाया ही नहीं, जिसमें रॉकेट रखता हूँ ना वही नहीं लेके आया मैं, देख रहे हो। बाकी बस मुझे अब स्मिथिंग टेम्पलेट्स को ना डबल करना पड़ेगा, एक नेदरराइट का आर्मर बनाने के लिए एक लगेगा अपने को। ये रहा अपना सल्कर बॉक्स, जिसमें भाई रॉकेट्स तो बहुत कम है, तीन ही स्टैक है मेरे को, गन पाउडर लेके इसको भर लेते हैं, क्योंकि अपने को निकलना है एक तगड़े वाले एडवेंचर पे भाई, क्योंकि अपने को बाकी जो 13 स्मिथिंग टेम्पलेट है ना वो लेके आने हैं, जो कि अपने को अलग अलग लोकेशन पे मिलेंगी, जैसे कि कहां मिलेंगी, जैसे कि जंगल टेम्पल हो गया, डेजर्ट टेम्पल हो गया, वुडलैंड मेंशन, प्लेजर आउटपोस्ट, और भी ऐसे मतलब काफी अलग अलग जगह वो मैं भी गूगल करने वाला हूँ, तब देखेंगे कि कहां कहां पे मिलती है अपने को, कहां कहां मिलेंगी। बाकी उससे पहले अपने को रॉकेट्स बनाने हैं। देखो तीन ट्रिम तो मेरे पास है, और मैं ये वाला सल्कर बॉक्स लेके जाने वाला हूँ, अपनी सारी ट्रिम इसी में कलेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा सल्कर बॉक्स उठा लेते हैं, कभी लूट वगैरह मिलेगी तो थोड़ी बहुत कलेक्ट करने में आसानी रहेगी। और दो अंडे अपने को मिले थे, दोनों मैंने यहाँ पे लगा दिए, और अपने को ऑब्सीडियन थोड़े से लेने, क्योंकि मैं नेदर के थ्रू ही जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ओवरवर्ल्ड ज्यादा एक्सप्लोर कर रखा है नेदर से। तो चलो फाइनली मैंने यहाँ पे एक स्टैक ऑब्सीडियन के ले लिया, अब सीधा यहाँ से नेदर में चलते हैं, वही मैं रूफ से जाने वाला हूँ, 1000-2000 ब्लॉक ट्रैवल करेंगे नेदर में, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा एक ऐसे चंक में जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। चलो फाइनली यहाँ पर मैं एक न्यू चंक में तो आ चुका हूँ, बस यहाँ से मुझे कुछ जो नए नए स्ट्रक्चर्स है ना उनको ढूंढना, मतलब स्ट्रक्चर्स तो पुराने हैं लेकिन इसमें जो स्मिथिंग टेम्पलेट भाई मैं क्या बोलता हूँ, मेरे खुद समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ। स्मिथिंग टेम्पलेट ढूंढनी है ना, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ प्लेजर आउटपोस्ट मिल जाए, फिर ओशियन मॉन्यूमेंट या फिर वुडलैंड मेंशन, इन टाइप का कुछ मिल जाए ना, तो वहां पे भी अपने को मिलने वाली स्मिथिंग टेम्पलेट। बाकी यहाँ पर एक ओशियन सा तो आ चुका, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद अपने को ओशियन मॉन्यूमेंट मिल जाए। बाकी यहाँ पर एक रुइंड पोर्टल मिला, जिसमें से अपने को कुछ मिलेगा खास तो कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ो फिर। बाकी ओ फाइनली अपने को यहाँ पे प्लेजर आउटपोस्ट तो मिला, बगल में ही था, यहाँ पर अपने को मिल जाते यार अच्छी बात है। इनके चांसेस पता नहीं रेयर उतने ही नहीं है, लेकिन भाई नीचे क्यों गिर रहा हूँ फिर मैं, इन सब के चांसेस हैं मतलब अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। हाँ देख के तो लग रहा है बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसमें अपने को कुछ भी नहीं मिला है। ओ यहाँ पर एक नई वाली बायोम भी है भाई, चेरी ब्लॉसम बायोम भी है यहाँ पर, जो की भाई तो शुरू होते खत्म होगी भाई, चार पेड़ की कोई बायोम होती है, तुमने देखी है भाई चार पेड़ की बायोम, लिटरली चार पेड़ की बायोम। अरे नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, ये तो सिर्फ तीन पेड़ की बायोम है भाई, सीरियसली तीन पेड़ की बायोम देखी तुमने कभी? भाई मैंने तो पहली बार देखी भाई, तीन पेड़ की एक बायोम, क्या बात है भाई, एकदम मस्त ओपी वाली बायोम है, वो भी सिर्फ तीन पेड़ की। बाकी अपनी थोड़ी बहुत इलाइट्रा रिपेयर कर लेते हैं रात का, ये तो फायदा है ही। ओ बाकी फाइनली अपने को यहाँ पे एक ओशियन मॉन्यूमेंट तो मिला, तो मैं सोचा सबसे पहले एक ये ही ले लेते हैं, ओशियन मॉन्यूमेंट में भी अपने को मिलता है ना, बस मुझे थोड़ा सा इसको तोड़ देते हैं बस। नहीं 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 मर जाऊंगा भाई ऐसे तो, मैं इसको मारने से मिलेगा जहां तक मुझे पता है, जहां तक दे दे यार, तो पहला है ना, पहला दे देगा ना तो बहुत सही रहेगा। बाकी इसने कुछ ओ हाँ ड्रॉप को पहले कोई मार के मिल गया भाई, अपने को मिल चुका है यहाँ पे जो अपने को ओशियन मॉन्यूमेंट में मिलता है। इनकी ये लाइन से बचना पड़ता है यार, ये ना बस यही सबसे ज्यादा पंगी वाली बात है, ये डैमेज कर देते हैं बहुत ज्यादा। A few moments later. ओ एक और अपने को यहाँ पे प्लेजर आउटपोस्ट मिला, होपफुली भाई इसमें से अपने को मिल जाए यार, पिछले मैंने दो लूट लिए जिसमें से अपने को कुछ भी नहीं मिला, और ये भाई सेम एंट्री क्यों कर रहा हूँ मैं हर बार। यस इसमें भी भोपू मिलेगा अपने को। ओ यहाँ पर मुझे एक जंगल वाली बायोम तो मिली है, होपफुली इसमें से अपने को वो मिल जाए, जंगल टेम्पल हुआ ना आसपास तो उसमें से भी अपने को मिलने वाला है एक टेम्पलेट। और फिलहाल तो भाई इतनी बड़ी जंगल बायोम है और मुझे कहीं नहीं दिख रहा है भाई जंगल टेम्पल, पता नहीं इसमें है भी कि नहीं है। ओ फाइनली मिला अपने को एक जंगल पिरामिड, जंगल टेम्पल, जंगल पिरामिड कुछ भी कह लो, इसमें से अपने को मिल जाता और अच्छा रहेगा। बाकी इसमें से भी मिलने के चांसेस पता नहीं कितने हैं, जो भी होंगे भाई, लेकिन यहाँ पे ट्रैप वगैरह भी होते हैं, पर ये ट्रैप क्या बिगाड़ लेंगे अपना, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन अपने को कुछ भी नहीं मिला। एक चेस्ट यहाँ भी होती है, इसमें से अपने को
चलो अच्छी बात है, जो भी मिल गया। बाकी अपने को यहाँ पे डेजर्ट पिरामिड में तो मिल चुका है, लेकिन जंगल टेम्पल रह गया है। उसके बाद अपने को एक वुडलैंड मेंशन, यस वुडलैंड मेंशन में भी मिलने वाला है। और ना एक वो जो नई वाली स्ट्रक्चर है ना, जो मैं शायद लास्ट टू लास्ट वीडियो में तुमने देखा होगा, वहां पर अपने को मिला था एक जो रूइंस करके कोई जगह आई है नई, वहां पर मिलने वाले अपने को तीन स्मिथिंग टेम्पलेट वहां पर अपने को मिलने वाले हैं। वो जगह भाई मैंने वो भी नहीं कर रखी यार, उसके मेरे पास कोऑर्डिनेट भी नहीं है। अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट होते ना तो मैं उस पे जाके मतलब जितने भी वहां पे ग्रेवल वगैरह मिलेगी ना, तो उसमें से अपने को तीन स्मिथिंग टेम्पलेट मिल सकते हैं। A few moments later. हो कुछ तो मिल जाओ ना रे। ओ, अपने को यहाँ पर मेंशन मिल चुका है भाई, और ना मेंशन में भी अपने को एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिलने वाली, तो यार होपफुली इसमें से यार मिल जाए अपने को भाई इसमें से यार। और इसमें से कौन सी चेस्ट मिलेगी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है यार, इसका पता नहीं कहाँ पे मिलेगी ना, मुझे एक बार देखना ही पड़ेगा पहले। ओ फाइनली भाई वैक्स आर्मर ट्री में अपने को इसमें से मिली है। इतना सारा भाई, इतना मार पिटाई किया मैंने, बहुत ज्यादा भाई, इतने सारे मॉब हैं यहाँ पर। फाइनली एक डायमंड की चेस्ट प्लेट मिली है, इसको भी ले लेते हैं। बाकी अपने पास यहाँ पे 5 हो चुके हैं भाई, मैंने इनको इतना मारा है कि मेरा आर्मर फुल रिपेयर हो गया भाई, इतने सारे मॉब है यहाँ पे। और बाकी मैं इनसे लड़ना यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहता भाई। बाकी अपने को यहाँ पे वुडलैंड मेंशन वाली भी टेम्पलेट मिल चुकी है, बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत टेम्पलेट्स और रह गई है, बाकी कुछ नेदर में मिलेंगी, कुछ एंड में मिलेंगी, तो फटाफट से उनको भी ढूंढते हैं। ओ शिप रैक में भी शायद मैंने सुना है शिपरैक में भी अपने को मिल सकती है, मतलब शिपरैक में भी अपने को मिलेगी। बाकी इसमें भी देख लेते हैं शिपरैक का भी, हाँ कुछ था मैंने देखा है, बाकी इसमें से तो अपने को नहीं मिली है, ये आधी टूटी टूटा ये शिपरैक मिली थी अपने को। इस वाली शिपरैक में तो अपने को कुछ नहीं मिला, दूसरी शिपरैक मिलेगी ना तो उसमें ढूंढेंगे, मतलब शिपरैक में भी अपने को मिलेगी एक स्मिथिंग टेम्पलेट, अपने को शिपरैक में भी मिलने वाली है, तो हो सकता है क्या पता अपने को जल्दी भी मिल जाए। ये कैसा वर्ल्ड जनरेट हो रखा है भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही, आधा इधर एक ब्लॉक यहाँ स्पॉन हो रखा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ भाई, ये सब क्या हो रखा है। और एक देखो भाई यहाँ हवा में मतलब थोड़ी सी जमीन के आ गई, वहां पे एक शिपरैक भी आ गई। बाकी अपने को यहाँ पे छोटे मोटे आइलैंड्स भी हैं, उनसे अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को शिपरैक में देखना कुछ मिल जाए तो। यस व्हाइट वाला डायमंड मिला, ये अपने को नहीं चाहिए। बाकी अपने को यहाँ से कुछ मिलने वाला है नहीं, इस वाले शिपरैक में भी अपने को कुछ नहीं मिला। एक काम करते हैं आगे चलते हैं, वन मोर अपने को यहाँ पे शिपरैक मिली है होपफुली भाई इसमें से। यार ये सारी आधी शिपरैक क्यों मिल रही है, इनमें तो वैसे भाई 50% चांस कम होगा क्योंकि एक ही चेस्ट है। कुछ तो अच्छा मिल ही रहा है फिर भी। यस अपने को यहाँ पर एक और डेजर्ट टेम्पल मिला, डेजर्ट पिरामिड अपने को यहाँ पर एक और मिल चुका, होपफुली भाई इसमें से अपने को मिल जाए जो अपने को चाहिए, एक डेजर्ट टेम्पल वाली, डेजर्ट टेम्पल वाली अपने को स्मिथिंग टेम्पलेट चेयर होपफुली मुझे यहाँ पर मिल जाए वो। बाकी यार शिट ये कौन सी है, ब्लास्ट प्रोटेक्शन स्माइट फायर बुक का मुझे कोई काम नहीं है भाई, यार कितना ज्यादा रेयर है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, मिलता ही नहीं अपने को कुछ इस वाली चेस्ट में। ओ भाई चलो फाइनली अपने को यहाँ पे मिल चुकी है एक, ये कौन सी मिली, वाइल्ड आर्मर ट्रिम। तो देखा जाए तो अपने पास यहाँ पे 3, 2, 5, 6 अपने पास यहाँ पर हो चुके हैं, तो मेरे को यहाँ पे 10 और ढूंढनी है भाई, 6 ही हुई है अभी तक, मेरे को 10 और ढूंढनी है यहाँ पर, सिर्फ मेरे पास 6 ही मिली है अपने को ना, 10 और ढूंढनी है जिसमें से एक दो और रह गई है ओवरवर्ल्ड की, एक मेरे को शायद आउटपोस्ट की नहीं मिली है, एक शिपरैक की नहीं मिली है, दो अरे शिपरैक एक यहाँ भी है, नाम लिया शिपरैक अपने को यहाँ एक मिल भी गई। अरे भाई ये डायमंड क्यों दे रहे हो भाई, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि डायमंड क्यों मिल रहे हैं भाई, पहली बार मुझे ऐसा हो रहा है कि डायमंड क्यों मिल रहे हैं अपने को, वो क्यों नहीं मिल रही है भाई स्मिथिंग टेम्पलेट। हाँ तो मैं कह रहा था अपने को 10 ढूंढनी है ना, 10 और रह गए जिसमें से एक दो है ओवरवर्ल्ड की बस, आउटपोस्ट की थी और एक शिपरैक की, उसमें से भी अपने को कुछ नहीं मिला है। बाकी हाँ जो ट्रेल करके एक जगह आई है ना, जो मेरे को पहले एपिसोड में मिली थी, मतलब जो लास्ट लास्ट वीडियो में तुमने देखा होगा, मैंने तुम्हें बताया था, मुझे पता ही नहीं चला था भाई वहां पे क्या मिलने वाला है, अब जाके मुझे पता चला कि वहां पर अपने को स्मिथिंग टेम्पलेट मिलने वाली है और उसकी शायद 3 या 4 वेराइटी है, मतलब उसमें से अपने जो मतलब उसमें से जो अपने को टेम्पलेट मिलेंगी वो 3 या 4 मिल सकती है, मतलब अलग अलग है 3-4, उनमें से अपने को कोई मिल सकती है। कि यहाँ पर और कुछ तो भाई मिल नहीं रहा है, शिपरैक ढूंढते हैं एक और। चलो यहाँ पर अपने को एक और प्लेजर आउटपोस्ट मिला, होपफुली इसमें से अपने को मिल जाए भाई, ऐसे डैमेज क्यों ले रहा हूँ, बाकी इसमें से अपने को मिल जाएगी। ओ हाँ मिली अपने, फाइनली अपने को यहाँ पर एक और मिल चुकी है, इसको भी फिलहाल अपने शल्कर बॉक्स में रख लेते हैं। अब अपने पास हो चुकी है 3, 3, 6 और 1, 7, यहाँ पर अपने पास 7 तो हो चुके हैं, बस थोड़ी बहुत अच्छी है, ओवरवर्ल्ड की तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, एक ट्रेल वाली जगह मिल जाए ना तो बस वो है, एक शिपरैक रहेगी बस, बाकी रात का थोड़ा सा फायदा भी उठा लेते हैं।
अरे भाई इतनी देर के बाद अपने को यहाँ पर एक और शिपरैक मिली, और ये वाली है भाई, ये हुई ना बात, ये मिली अपने को एकदम फुल ताजा ताजा शिपरैक मिली अपने को। बस इसमें से भी अपने को ताजा ताजा वो मिल जाए जो अपने को चाहिए, जो कि मुझे देख के लग रहा है कि भाई शिपरैक वाली सबसे ज्यादा रेयर है, अपने को नहीं मिल रही है भाई। क्यों इतनी ज्यादा रेयर तो भाई वो नहीं थी, साइलेंस वाली तुरंत मिलेगी थी भाई, ये पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक दो और शिपरैक मैं ढूंढ रहा हूँ, मिलेगी तो ठीक है वरना भाई मैं जा रहा हूँ सीधा नेदर में। ओ एक और शिपरैक है, होपफुली भाई इसमें मिल जाए भाई, ये मेरी आखिरी उम्मीद है, इसमें मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ सीधा फिर नेदर में, होपफुली मिल जाए यार, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। ओ भाई ये देखो भाई, पहले एक नहीं मिल रही थी, मिली तो दो दो भाई, दो दो मिल गई अपने को। यहाँ अपने पास यहाँ पर आठ हो चुके हैं, अपने को यहाँ पे आठ और चाहिए, जिसमें से चार तो भाई तीन या चार उसमें से मिलेंगी, वो ट्रेल जो आई है ना, एक नया स्ट्रक्चर जो आया, वो मैं नहीं करने वाला, वो मैं बाद में करूंगा। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा नेदर में, नेदर वाली पहले ढूंढेंगे, यहीं पे अपना पोर्टल बना लेते हैं, लेट्स गो। फाइनली मैं नेदर में भी आ चुका हूँ, और मुझे पता है नेदर में बहुत ही ज्यादा दूर आया हूँ, और जगह भी तो ऐसी आया हूँ, पता है कैसी जगह पे स्पॉन हुआ हूँ मैं। यहाँ पर हमें नेदर फोर्ट्रेस और बैशियन दोनों में एक एक ट्रेन मिलेगी, और नेदर फोर्ट्रेस भाई क्या किस्मत है भाई, नेदर फोर्ट्रेस हाँ मेरे को लगा भाई पीछे वो आ रहा है स्केलेटन, अपने को भाई नेदर फोर्ट्रेस का नाम लिया और नेदर फोर्ट्रेस मिल भी गई, बस इसमें से मुझे चेस्ट और मिल जाए। ओ एक चेस्ट मिली अपने को, होपफुली इसमें से मिल जाए, नहीं मिलेगी पता है, इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाली। बाकी यहाँ पर एक और चेस्ट है, मुझे पता है इसमें से भी नहीं मिलेगी, लेकिन अपने को मिल गई है रिब आर्मर ट्रिम। रिब तो भाई ऐसा रहा, लंग्स की रिब्स नहीं होती कुछ स्टेप। अरे किसने मारा, किसकी इतनी हिम्मत होगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत आई, आ रहा हूँ रुको रुको आ रहा हूँ, तुम्हें प्रसाद दूंगा एकदम अच्छे वाला, जलते हुए जा रहा हूँ और जला के आऊंगा इनको, देखो आ गया मजा, दूर से हमला कर रही थी। बाकी भाई फोर्ट्रेस की तो बहुत ही ज्यादा इजीली मिल गई, बस बैशन की और मिल जाए, नेदर का काम खत्म। चलो यहाँ पे मुझे फोर्ट्रेस की तो स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गई, बस बैशन की और बाकी। यार मुझे ना पहले बैशन जो मिला था ना उसमें भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए था, वहां पर मैं जो नॉर्मल वाली स्मिथिंग टेम्पलेट होती है ना उसको लेके आ गया मैं बेफालतू में, मतलब बेफालतू में नहीं लाया, सिर्फ मतलब उसको लेके मैं सीधा घर वापस आ गया यार, थोड़ा उसको एक्सप्लोर करते ना तो चांसेस थे कि उसमें से मुझे वो स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाए, उसमें से चांसेस थे कि अपने को स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल जाए जो मतलब आर्मर को चाहिए होती है। एक तो नॉर्मल वाली वो जो मिली थी ना वो तो सिर्फ नेदराइट का आर्मर बनाने के लिए यूज होती है, उसका मेकअप करने के लिए तो भाई दूसरी वाली ट्रिम लगेगी ना, बस वो ढूंढनी है अपने को। यहाँ पर मैं बैशियन में आ तो गया हूँ भाई छुपते छुपते, बस मुझे यहाँ पर एकदम संभल के लड़ना है, पिछली बार तो मैंने ज्यादा थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी थी, सबसे एक साथ नहीं लड़ना, आराम आराम से एक एक करके लड़ेंगे। ओ देखो भाई दो दो मिली है भाई, लेकिन ये नॉर्मल वाली मिली है भाई, अपने को ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली तो मेरे पास ऑलरेडी है, बाकी पिकेक्स वगैरह भी मिली है ये भी ले लेते हैं। इस वाली चेस्ट में भी नहीं है भाई, ये मैंने पूरा लूट लिया, इसमें अपने को कुछ नहीं मिला है। A few moments later. भाई तीन ब्रूट इधर, तीन चार ब्रूट उधर, भाई कितने हैं इस चेस्ट में, तो कुछ नहीं है भाई इस चेस्ट में। ओ फाइनली अपने को स्नॉट करके पता नहीं कुछ है अपने को मिल चुकी है फाइनली। बाकी भाई ऑप्शीडियन, इतने सारे ऑप्शीडियन ले लेता हूं, मैं सोच रहा हूं अगर कोई मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है पर मैं इग्नोर मार रहा हूं, मार ले कब तक मारेगा, क्योंकि मैंने मारी तो मौका नहीं दिया मारने का। बाकी यहां भी दो चेस्ट है, इनको भी एक बार चेक कर लेता हूं सोच रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे इनको निपटाना पड़ेगा। मम्मी पीछे से कहां से आ गया ये, चीटिंग है भाई पीछे से आ गया ये। यस भाई टोटम हाथ में नहीं होता, जान हलक में आ जाती है कि मैं गया भाई कब मर जाऊं मैं। भाई कितने टोटम यूज हो गए मेरे भाई कितने, इतना ज्यादा नूब होता जा रहा हूं भाई मैं तो, बहुत कतई नूब हो गया हूं भाई मैं। और मैं तुम्हें तो पता ही है लूटे बिना तो मानूंगा नहीं मैं, दो दो चेस्ट है ना उनको जरूर लूटना है भाई, उन्होंने मारा कैसे मेरे को भाई, बदला लिया जाएगा यार ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा। आ जाओ भाई कौन सा था, कौन से ने मेरे को मारा बताओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी कहां भाग गए, डर के मारे भाग गए क्या मेरे को, डर के मारे भाई क्या हवा निकल गई क्या तुम्हारी, अच्छा नहीं निकली अभी, अब निकलेगी तुम्हारी हवा। बस पीछे से आके किसी ने मार दिया था भाई, मैं इन दोनों पे फोकस कर रहा हूँ, पीछे से किसी ने आके मार दिया। बाकी यहाँ पर एक और पिकेक्स मिली अपने को मेंडिंग वाली, बाकी अपने को और कुछ नहीं चाहिए, इसमें भी अपने को कुछ नहीं मिला। बाकी क्यों आया मैं लूटने भाई, लूटने नहीं आया था बदला लेने आया था यार, इनको भी अपने ने निपटा दिया। अब अपने को इसमें से नेदर में से दो ही थी ना, दो ही थी टकरा के पता चल गया भाई, ये तो हो चुका। बस अपने को एंड की ओर ढूंढने, जो कि अपने को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में मिलेगी, एक मिलेगी एंड सिटी में, एंड सिटी के लिए अपने को एंड वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, और बाकी अपने को जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है ट्रेल में, रुइन ट्रेल करके कुछ जगह आई है ना वहां पे मिलेंगी अपने को तीन चार। तो फटाफट से पहले घर चलते हैं, वहां से स्ट्रॉन्ग होल्ड भी जाना है अपने को। A few moments later.
देखो यहाँ पे अपने पास 10 यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट तो हो चुके हैं, बाकी यहाँ पर मैं दो और लेके आने वाला हूँ, जो कि मेरे को एक लेके आने स्ट्रॉन्ग होल्ड से और दूसरी मैं लेके आना हूँ एंड सिटी से, जिसके लिए मुझे ढेर सारी आई ऑफ एंटर लगेंगी। तो मैं यहाँ पे जितने भी बन सकती है ना आई ऑफ एंटर बना लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 15 आई ऑफ एंटर तो बन चुके हैं, बाकी मेरे पास एंटरपल और तो होंगी। अरे एंटरपल की कोई कमी नहीं है भाई, एंटरपल का तो भंडार है अपने पास। यस 46 मैंने ऑलरेडी बना ली है। वैसे यार इतनी की जरूरत नहीं है भाई, मैं स्ट्रक्चर ढूंढ भी तो भाई चंक बेस साइड का यूज करके रहा हूँ, मेरे को जरूरत क्या है, बस एक्टिवेट करने के लिए अपने को चाहिए होगी। बाकी इसको उठाते हैं यहाँ से। बाकी फिलहाल तो मैं जाने वाला हूँ नेदर से, क्योंकि अपने को भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड भी दूर वाला ढूंढना है, पास वाले स्ट्रॉन्ग होल्ड से कोई भी अपना काम नहीं चलने वाला है। यार इस बार तो माइनक्राफ्ट वालों ने थोड़ा स्कैम कर दिया अपने साथ, केव में निकाला यार, बस अपने को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना है। A few moments later. चलो फाइनली यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में तो आ चुका हूँ, अपने को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है। होपफुली इसमें से अपने को वो आई ऑफ एंटर वाली जो मिल जाती है, आई ऑफ एंटर बोल रहा हूँ भाई, आई वाली जो स्मिथिंग टेम्पलेट है वो मिल जाए। और वो कौन सी चेस्ट मिलेगी भाई उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मुझे पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड अच्छे से देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी में मिल सकती है। एक बार जरा यहाँ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ दो चेस्ट होती है ना लाइब्रेरी के अंदर। पहली चेस्ट तो एरी के अंदर, ओ पहली चेस्ट में मेरे को मिल गया जो कि है आई आर्मर ट्रिम। आंख है भाई पूरी, किस्मत हो तो ऐसी हो भाई, पहली चेस्ट में से मिल गया अपने को भाई, इतनी अच्छी किस्मत तुमने स्ट्रॉन्ग होल्ड में तो दे दी। बस ऐसी थोड़ी सी अच्छी किस्मत एंड वर्ल्ड में भी दे देना, वहां पर भी अपने को एक बढ़िया वाली वो मिल जाएगी ना स्मिथिंग टेम्पलेट, तो मजा ही आ जाएगा। चलो फाइनली अपने को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल चुका है, इसको फटाफट से तोड़ते हैं और बाकी इनको मारने का कोई मतलब नहीं है। चलो फाइनली मैं एंड वर्ल्ड में भी आ चुका हूँ, लेकिन भाई ये भाई इसको मैं बनाना हमेशा रह जाता हूँ भाई, इसको मैंने बनाने का कब से सोचा हुआ था कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा। यहाँ पर मैं कुछ बनाने वाला था पर यार कभी बना ही नहीं पाता, आइडिया ही नहीं मिलता कोई अच्छा सा कि मैं बनाऊं मैं। और यहाँ तो मुझे पता है मुझे काफी ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें भी शायद एनसीटी एक्सप्लोर करी थी। मुझे यहाँ तक मैंने 50 एनसीटी एक्सप्लोर की थी, 50 या 100 पता नहीं कितनी करी थी, जहाँ से मैंने 50 या 150 करी थी शायद मेरे हिसाब से, जहाँ पर मैंने 50 ड्रैगन हेड कलेक्ट किए थे भाई। उसमें मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल कर लिया था, पता नहीं भाई मुझे अब कितना ज्यादा और ट्रैवल करना पड़ेगा सही में भाई, एंड में तो कुछ ज्यादा ही ट्रैवल करना पड़ेगा अपने को। ओ फाइनली अपने को यहाँ पर एक एनसीटी तो मिली अभी, ये मुझे इसका कोई आइडिया नहीं कि मैंने इसको लूट रखा है कि नहीं लूट रखा, एक बार चेक करना पड़ेगा। बाकी चेस्टे तो है यहाँ, ओ नहीं कर रखी भाई स्पायर, स्पायर भाई कौन सी मिली है, जो भी मिली है ले लो भाई, नहीं कर रखी थी मैंने, हाँ मैं नहीं कर रखी थी मैं बता तो रहा हूँ। बाकी अपने को भाई कुछ भी नहीं चाहिए, इतनी जल्दी मिल गया सीरियसली भाई, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था इतनी जल्दी भी मिल जाएगी ये। चलो लेट्स गो अपने घर निकल लेते हैं भाई, बहुत आसानी से मिलेगी भाई, इतना मैंने इतना आसानी तो भाई बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी आसानी से मिल जाएगी। फाइनली यहाँ पर मैं अपने घर तो आ चुका हूँ और मेरे पास ऑलमोस्ट काफी सारी यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट तो आ चुकी है, जो कि है भाई ये देखो ये है अपने पास, ये लगभग कितनी है अपने पास है 3, 4, 5, 10, 11, 12 तरह की मेरे पास यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट आ चुकी है, जिसमें से मैं एक का तो आर्मर बना चुका हूँ जो की साइलेंस वाला, तो मैं ये दिख ही रहा होगा, ये रहा ये इस आर्मर की बात करूँ, देखो सबसे ज्यादा यूनिक वाला आर्मर तो मैंने सबसे पहले ही बना लिया था। बाकी इन सब का भी मैं यहाँ पर फुल्ली नेदरराइट का आर्मर बनाने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए होंगे ढेर सारे नेदरराइट। और अभी मेरी तिजोरी में यहाँ पर 5, 8 एंशिएंट डेब्रिस, 2 नेदरराइट स्क्रैप, इनको जब तक थोड़ा सा उबलने रख देते हैं, तो ये मेरे पास ना 3 है, तो मुझे इसको भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे लगेंगे बहुत सारे डायमंड। डायमंड तो मेरे पास अरे 6 ही, मैंने कहाँ रख दिए अपने डायमंड सारे, ये रहे ना डायमंड। पहले करेंगे इसको डुप्लीकेट भाई, जितने बन सकते हैं इनको बनाओ पहले। तो देखो ये बन गए 17 है ना, तो यानी कि अपने को कितने चाहिए, देखो ये है पूरे 12, यानी कि मैं बनाने वाला हूँ 12 आर्मर सेट, और इस वाले को मिला के हो जाएंगे 13, यानी कि मेरे को अभी 12 बनाने हैं, यानी 16 है ना, 4 जो मेरे को ट्रेल मिलेंगे ना वो उसमें से मिलने वाली, जो नया वाला स्ट्रक्चर मिला वो मैंने अभी ढूंढी नहीं है, उसको मैं आगे ढूंढने वाला हूँ। यानी कि मुझे बनाने 12 आर्मर सेट, यानी कि 12 और एक चीज में होते हैं 4, 4 होते हैं ना अपने जूते वूते सबको मिला के 4, एक सेट में अपने को 4 चीजें चाहिए, यानी कि 12 × 4 बारह पंचे 60, यानी कि मुझे चाहिए होंगे 60 नेदरराइट के इंगट, और 60 ही अपने को ये चाहिए होंगे स्मिथिंग टेम्पलेट, जिनको डुप्लीकेट करने के लिए अपने को चाहिए होगा ढेर सारा डायमंड और ढेर सारा नेदरराइट, तो इनको नेदरराइट कार में बनाने को चाहिए। और डायमंड मैं कहाँ से लेने वाला हूँ तुम्हें तो पता ही है, माइनिंग के लिए जाने वाला हूँ यार। नहीं यार माइनिंग के लिए फिर कभी जाएंगे, अभी थोड़ा सा स्कैम कर लें क्या, देख लो यार मैंने कहीं से डायमंड चुराए नहीं है, बस दोनों की लुक एकदम देखो मैचिंग कर दिए, पहले ना मैच नहीं कर रहे थे मेरे डेजर्ट पिरामिड से, अब देखो एकदम मस्त मैच कर रहे हैं ना। अच्छा लो अब भी कम पड़ गए, सिर्फ 58 ही बने भाई, दो और चाहिए अपने को, एक लेयर और निकालनी पड़ेगी क्या।
मेरे हिसाब से बीकन अब ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखो अपने पास यहाँ पे 61 स्मिथिंग टेम्पलेट तो आ चुके हैं, एक मैंने एक्स्ट्रा बना लिया क्योंकि भाई खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि खत्म हो गए तो भाई हो जाएगा काम। बाकी यहाँ पर मैंने लाइन से लगा दिए पूरे के पूरे 13 आर्मर सेट, इस पर एक तो मेरा वाला लगने वाला है जिसके लिए मुझे 12 और बनाने पड़ेंगे तब जाके हमारा फुल यहाँ पे आएगा। अरे इसको मिला के 12 थे, मैंने सही में 13 क्यों लगा दिए, फिर एक को नंगा छोड़ देंगे, चलो कोई बात नहीं। अब अपने को यहाँ पे डायमंड के 11 सेट बनाने हैं भाई, ये डायमंड कम ना पड़ जाए, मुझे जो दो लेयर बची है ना वो भी निकालनी पड़ जाएंगी और मैं चाहता नहीं कि वो लेयर मुझे निकालनी पड़े वहां से। देखो यहाँ पे अपने 11 डायमंड के सेट तो बन चुके हैं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बन गए थे वो थोड़ा सा हग दिया था मैंने, उनको मैंने फेंक दिया। बाकी मेन बात है इन सबको नेदरराइट का बनाना, जिसके लिए मेरे पास नेदरराइट है कि नहीं वो तुम्हें मैं दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 9 तो हैं और बाकी नेदरराइट मिलेंगे हमारे एक सीक्रेट लोकेशन से जो की है हमारा डेजर्ट टेम्पल। देखो एक नेदरराइट का ब्लॉक तो मुझे यहाँ से मिल गया, इससे अपने को आ चुके हैं 16। देखो मेरे पास अभी 16 ही है, बाकी की मुझे मिलने वाले अपने भाई थोड़े से और अंदर मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। मेरी भाई सबसे ज्यादा मेहनत मैंने यहाँ की थी, बस ये 9 ब्लॉक ही है मेरे पास, बस अगर इनसे काम नहीं चलाना भाई अपना। मैंने यहाँ पे थोड़े से नेदरराइट के ब्लॉक क्या जमा किए, ये सारी देखो ये सारे एलिस भाई बाहर निकल आए इसमें से, यार मैं इनको दोबारा कैसे अंदर लेके जाऊं, इतनी मेहनत से मैंने इनको अंदर लेके गया था लीड से बांध बांध के, फिर से देखो बाहर आ गई, इनको अंदर ले जाना पड़ेगा दोबारा से मेरे को। बांधो भाई इन एलिस को यहीं बांध देता हूं, मैं नहीं ले आ रहा इन सबको अंदर। अब बस जितने भी डायमंड के आर्मर है ना इन सबको बनाना है नेदरराइट का। बाकी अरे ये डायमंड की एलिस बाहर कैसे आ गई, मैं मार दूंगा उसको, मार भी नहीं सकते है ना, छोड़ो यार इसको बाद में करेंगे। अरे 50 यार मैंने हिसाब कैसे लगाया था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। 4 मैंने किया था 12 × 4, अरे 12 × 5 होता है 60, मैं तो थोड़ी गड़बड़ कर दी यार। भाई इतना भाई मैंने खाम खाम ये इतने सारे बना लिए, 17 53 तो बच गए भाई। देखो ये रहे अपने पूरे 11 के 11 नेदरराइट के आर्मर, 11 है, 12वां वहां लगेगा और जिसमें जो कि मैंने पहन रखा वो यहाँ पे लगेगा। 12 13 हो जाएंगे ना, 12 आएंगे, 13 वाला मैंने पहन रखा वो यहाँ पे आएगा। बाकी भाई इन पे भी फटाफट से आर्मर ट्रिम लगाते हैं, वो भी डायमंड के साथ लगाने वाला हूं, उसके बाद देखते हैं क्या ही लुक आती है इन सब की। और ये देखो भाई ये बन चुके अपने पूरे के पूरे 13 आर्मर सेट, जिसमें अभी 3 और 13 हैं, 12 हुए हैं, 4 और बाकी हैं, जिसमें शहर में इन सब पे ना मेंडिंग लगाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास जितनी थी बुक मैंने इन तीनों सेटों पे तो लगा दिए, चारों चीजों पे, बाकी इन सब पे नहीं लग पाई। और ये मेरा वाला आर्मर है, यानी कि इन सब पे भी मैं मेंडिंग लगाने वाला हूं, इन सब पे बाद में लगाएंगे, मैंने सब पे मेंडिंग तो नहीं लगाई, इन तीन सेट पे कंप्लीट हो चुके। बाकी जब मैं 4 और बना दूंगा ना तब इन पे भी लगा देंगे मेंडिंग, तब एकदम मजेदार एकदम तगड़ी वाली लुक आएगी भाई। बाकी गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।